बात करते हैं रीवा जिले की, जहां जिले के सिरमौर क्षेत्र में आगामी दिनों मुख्यमंत्री महोदय के संभावित दौरा कार्यक्रम को लेकर आज कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर और हेलीपैड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी, सीईओ, एसडीएम सिरमौर तथा अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी अधिकारियों ने बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने और कौन कौन से कार्यक्रमों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना है, इस पर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 13 मार्च के प्रस्तावित रीवा दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि सिरमौर में वो जल आवर्धन योजना का लोकार्पण और आईटीआई विद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। ये आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर के प्रांगण में आयोजित किया जाना है। इस आयोजन को लेकर आज कलेक्टर मनोज पुस एवं नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के साथ ही अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। और इस तरफ से थोड़ा सा आपको ब्रेक कर देंगे, यहाँ से लोगों के स्टॉपर डाल के ब्रेक हो जाएगा, मतलब कोई ओपनिंग दे देंगे तो इधर से भी स्टेज बनाएंगे और इधर लोग बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में हमने और एसपी साहब ने और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ स्थल निरीक्षण किया है। जो प्रस्तावित सभा स्थल है और हेलीपैड है उसका अवलोकन किया है और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम हो। खुल गया, खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।